पहला मंत्र शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते थे, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा मंत्र कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र दोस्ती निभाना। श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया है। पांचवा मंत्र माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर है, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया, उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। दोस्तों, ये थे भगवान कृष्ण के कुछ पांचवा मंत्र जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।